दिल्ली कैंट के विजिलेंस स्टाफ ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ लड़की की शादी तय होने के कारण घर से भाग आया था, जिनमें से लड़के की पहचान राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले संदीप कुमार के रूप में हुई। लड़की भी झालावाड़ इलाके की ही रहने वाली है। दोनों की उम्र करीब 24 वर्ष है। जब पुलिस टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़की अपने घर से 2 लाख कैश और सोने का नेकलेस लेकर फरार हुई है। वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाह रही थी, लेकिन परिवार वाले मना कर रहे थे और लड़की की मर्जी के खिलाफ 18 फरवरी को उसकी शादी तय कर दी थी, जिससे पहले ही दोनों घर से भाग निकले थे। दरअसल राजस्थान पुलिस से दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि एक राजस्थान नंबर की ब्रीजा गाड़ी में लड़की को किडनैप करके राजस्थान से दिल्ली की तरफ ले जाया गया है। इसकी सूचना मिलते ही दिल्ली कैंट पुलिस बताए गए नंबर के आधार पर गाड़ी को ट्रैक करने के लिए थोलाकुआ रोड पर अलर्ट हो गई। जिस गाड़ी का नंबर पुलिस को मिला था उसे दिल्ली कैंट SHO विपिन कुमार सुबरतो, पार्क चौकी इंचार्ज अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्ण और कांस्टेबल बाबूलाल की टीम ने थोलाकुआ से कश्मीरी गेट तक पीछा करके पकड़ा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना राजस्थान पुलिस को दी और लीगल कार्यवाही के बाद राजस्थान की पुलिस दोनों को आभूषण, कैश और गाड़ी समेत राजस्थान ले गई।